समर चैप्टर की कड़ी में आज बात करेंगे स्किन से रिलेटेड समस्याओं की। सो स्किन शरीर का एक बहुत ही नाजुक अंग होता है, आपको पता है ना, त्वचा। तो इसमें क्या होता है, सूखापन होना स्टार्ट हो जाता है इस गर्मी सीजन के स्टार्ट में। क्यों? क्योंकि गर्मी है ना, स्किन के लिए बहुत ही दुखद समय होता है, क्योंकि इस टाइम है ना आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ड्राइनेस रहेगी पानी कम पियेंगे तो। और सबसे बड़ा जो होता है ना टेम्परेचर का फर्क जो महसूस होता है ना, वो इस ड्यूरेशन में होता है। क्या टेम्परेचर का फर्क होता है? टेम्परेचर का फर्क ये होता है अगर आप पंखा चल रहा है और तुरंत आप धूप में चले गए, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। लेकिन अगर आप एसी में बैठे और एसी से धूप में चले जाते हैं ना, उस टाइम आपकी स्किन को है ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो उस टाइम में उनको अनबैलेंसिंग फील हो जाता है। उन टेम्परेचर अनसेंसिटिव रिसेप्टर को अनबैलेंसिंग फील होने से आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है ना, वो आना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे कि आप है ना सुंदर कम दिखते हैं। और सुंदर नहीं दिखेंगे तो दिखेगा वही तो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आपको कैसे प्रिवेंटिव टिप्स मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि आप उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे आप है ना इस गर्मी को में भी स्किन के लिए वरदान का काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कवर करें अपने फेस को ना, कवर करके निकलना चाहिए आपको गर्मी में। उसके बाद में मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर लगा के निकलिए, और गर्म या गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, और फलों का रस इतना पीना चाहिए ना, और हो सके तो ककड़ी जो आता है ना, खीरा ककड़ी, उसको स्किन पे लगाते रहना चाहिए। कभी आलू भी लगा सकते हैं तो, और तेल तीखा दलिया है ना वो आपको बहुत ही कम खाना है। और कुछ आपको लगता है ना तो लाइक आपको ना स्किन को बचाने के लिए ना, आपको जो मसालेदार चीजें ना उनको बचाना, उनसे बच के रहना है, और मॉइस्चराइजर कम यूज में लेना है, और सनस्क्रीन प्रोटेक्शन क्रीम जो आती है ना वो लगानी है। कौन सी लगानी है मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।